ठीक है बेटे, तो डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम डिवीजन के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे बेटे कि डायरेक्ट इस लेक्चर को ना देखें, इससे पहले वाला जो लेक्चर है जिसमें मैंने डिवीजन का कॉन्सेप्ट बताया है वो समझना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ हमारे पास 5 पार्ट्स हैं और हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इससे, इससे, x से, इससे और इससे। ठीक है, आई थिंक हमने एग्जाम्पल जब हमने पिछले लास्ट प्रीवियस वीडियो में ये वाला डिवाइड इससे कर लिया था, आई थिंक सो। हाँ बिल्कुल सही है, अब हम इससे करके देखते हैं। ये आपके लिए एक नई टाइप है, ये भी एक नया टाइप है, ठीक है ना। फिर इसको करने के बाद ये आप होमवर्क में करेंगे, थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट भी आप अपना होमवर्क में करेंगे, खुद करेंगे, करके देखेंगे सब। ठीक है, अभी बस मैं आपको ये वाला और सेकंड और फोर्थ पार्ट समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम एक नया एग्जांपल सीखेंगे, छोटा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल। ठीक है बेटे, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये गिवन है मुझे क्वेश्चन में, डिविडेंड गिवन है, डिवाइज़र मुझे गिवन है और रिमाइंडर मुझसे पूछ रहा है। तो ठीक है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में करा था बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिविडेंड को उसकी जगह लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x + 1। ठीक है, डिवाइज़र में क्या लिखेंगे हम, x - 1/2। अब आप सोच रहे हो सर मैं एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। देखो जैसा यहाँ पे लिखा है हमें एज इट इज़ वैसे ही लेके चलना है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था, एक्स क्यूब को टारगेट करना है ना, एक्स क्यूब हटाना। तो क्या करता था मैं, साइड में एक्स क्यूब को डिवाइड करता था इस मोनोमियल के फर्स्ट टर्म से, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से x², कोई दिक्कत नहीं है सबको। इसका मतलब मैं x² से सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, x * x² x³। ठीक है बेटे, अब ध्यान दो -1/2 × x², तो -1/2 x². ठीक है, वेरिएबल के नीचे ही वेरिएबल लिखना है, मतलब जिसकी पावर 2 है तो हमें उसी पावर 2 के नीचे ही इसको लिखना है। ये नहीं कि 1/2 x² यहाँ लिख दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है, है ना, सेम पावर वाले के नीचे ही हमें इसको लिखना है। ठीक है बेटे, अब क्या होगा, अगला स्टेप क्या था, साइन चेंज करना। जैसे मुझे इसको इससे माइनस करना है ना। अच्छा एक मज़ेदार वाली बात क्या है बेटे, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, इसीलिए मुझे इसको माइनस करना पड़ रहा है। मैं यहाँ पे जब माइनस करूँगा तो यहाँ पे भी क्या करूँगा, साइन चेंज करूँगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस। अब जो मैं आपको बाद में एक एग्जांपल समझाऊंगा ना, उसमें हो सकता है ये फर्स्ट टर्म नेगेटिव होगा, है ना, अभी तक तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आया है। एक एग्जांपल मैं ऐसा आपको बताऊंगा जिसमें ये वाला टर्म नेगेटिव होगा, फिर देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोसेस यही रहेगा, बस आपको एक नया टाइप मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, साइन चेंज हमने कर लिए तो ये तो कैंसिल हो गया। अब प्लस का 3x² और ये वाला टर्म का साइन कौन सा होगा नया, ये, तो प्लस का 1/2 x², तो ऐड कर लो इसको, 3x² + 1/2 x², है ना बेटा, लाइक टर्म्स हैं, वेरिएबल भी सेम और उसकी पावर भी सेम, तो ये आई थिंक 3 + 1/2 x² में कॉमन ले लूँ, कोई बात तो नहीं है, 3 × 6 = 7, 7/2 x². ठीक है, तो ये 7/2 x² बेटा, ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, है ना। बाकी के जो बचे हुए टर्म्स हैं मैं उसको नीचे लिख लूँगा, प्लस का 3x + 1, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर से जो स्टेप मैंने यहाँ यूज़ करे हैं वही मुझे इसके लिए दोबारा करने हैं। अब मेरा टारगेट क्या होगा, मुझे 7x 7/2 x² को हटाना है। तो देखो
साइड में करके देखते हैं, 7/2x² को मैं डिवाइड किससे करूंगा, इस x से, ठीक है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा 7x² / 2x, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, ठीक है। तो x से x कैंसिल, बचा क्या मेरे पास 7x/2, ठीक। इसका मतलब ये है कि प्लस का, ये प्लस का आया है ना, कि प्लस का 7x/2 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा और इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो देखो x इंटू प्लस का 7x/2, तो 7/2x² एक ही बात है, चाहे मैं 7/2x² लिखूँ या 7x² / 2 लिखूँ। देखो या तो मैं 7/2x² लिखूँ या 7x² / 2 लिखूँ, बात एक ही है ना। ये हमारा रफ वर्क चल रहा है। प्लस प्लस आएगा माइनस, माइनस का 1/2 इंटू 7x/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 × 7 7x/4। कोई दिक्कत नहीं आता, वेरिएबल के नीचे वेरिएबल मतलब पावर सेम है, ठीक है। ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पे मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। जब मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया है, ध्यान देना, जब मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया है बेटे, तो यहाँ पे भी साइन क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। अब आप कहोगे सर अगर यहाँ पे मैं प्लस लगाता तो, वो एग्जांपल हम बाद में समझेंगे, अभी ये टाइप वो है जिसमें मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा रहा हूँ। लेकिन कब कब लगा रहा हूँ बेटा, जब ये दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, तभी तो माइनस साइन लगा के तभी तो कैंसिल होंगे, कैसे अदरवाइज आप कैसे कैंसिल कर दोगे बताओ। आप a माइनस ए को ही तो कैंसिल कर सकते हो, a प्लस ए को कभी कैंसिल करोगे, ये तो ऐड हो जाएंगे सर, है ना। तो देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे इसका साइन इंटरचेंज हो गया। अब ये 3x + 7x/4 ये ऐड हम कर लेंगे, 3x + 7x/4, ठीक है। 4 × 12 एलसीएम ले लेंगे हम, जैसे भी हम लेते हैं, 12x + 7x, 19x/4, तो 19x/4 + 1, ठीक है बेटे, बचा हुआ टर्म मैंने यहाँ पे उतार लिया। अब मुझे क्या टारगेट करना है इसको, तो अब आप सोच रहे होंगे सर हो सकता है इसका रिमाइंडर ज़ीरो ना आए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अब 19x/4 को डिवाइड करूँगा इस x से। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो ये हो जाएगा x, ऊपर 1 चला जाएगा। ये रेसिप्रोकल जो मैं कर रहा हूँ ना बेटा, ये सब मैं रियल नंबर सिस्टम में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इवन पॉलिनोमियल में भी मैंने शुरू में करा है, स्टार्टिंग वाली वीडियोस में, ठीक है। तो x से x कैंसिल, बचा क्या 19/4 प्लस का, तो प्लस का 19/4 से मैं सबसे पहले x इंटू 19/4, तो 19x/4 माइनस का 19/8, ठीक है। साइन चेंज होंगे क्योंकि मुझे इसको सेम, जब ये दोनों सेम आ गए हैं और मुझे इसको कैंसिल करना है, तो एक को तो नेगेटिव होना पड़ेगा ना, तो नीचे वाले को नेगेटिव करेंगे। जब मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा तो सारे साइन चेंज होंगे, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये सीखने वाली बात है, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा रहा हूँ तो जितने भी यहाँ पे साइन है ना, जितने भी होंगे एक्स वाई जेड, सब के सब इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ अगर माइनस है तो प्लस, और यहाँ अगर प्लस है तो माइनस। इस चीज़ को अपने दिमाग में सेट कर लेना बेटे, क्योंकि जब हम क्लास 10th में 9th में लीनियर इक्वेशनों को जब सॉल्व करेंगे, टू लीनियर इक्वेशंस को, तो ये चीज़ बहुत काम आएगी, है ना। तो इसको ऐड कर लो, तो ये क्या बचा, 1 + 19/8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो मुझे मिल जाएगा ये फाइनली 27/8, ये मेरे पास रिमाइंडर आया,
ये मेरा क्या है रिक्वायर्ड आंसर। तो जितना भी ये सब मैंने कुछ इसमें करा है, इसके लिए एक बार इसकी प्रीवियस वीडियो को देखो बेटा, देन आफ्टर जो जो स्टेप्स यूज हुए हैं वो आपको ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाएंगे। दूसरी बात, ऐसा रिक्वायर नहीं है कि ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि रिमाइंडर ऑलवेज ज़ीरो आए, रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, नॉन ज़ीरो नंबर भी आ सकता है, ठीक है ना। तीसरी बात, ये साइन चेंजिंग का प्रोसेस आप अपने दिमाग में सेट कर लो, मतलब जब आपके सामने पहले दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं तो जब तो हम नीचे वाले टर्म को नेगेटिव करेंगे, और जब हम इसको नेगेटिव करेंगे बेटा तो बाकी के सारे साइन कैसे हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, और वही हमारे फाइनल साइंस होंगे ये वाले टर्म्स के लिए, जो नीचे वाले जो टर्म्स हैं, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा टाइप फोर, इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है बेटा। तो ये मेरा फोर्थ पार्ट है, चल ये मेरे पास डिवाइजर दे रखा है, ये डिविडेंड है, और रिमाइंडर मुझे फाइंड करना है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो पाई लिखा हुआ है, तो क्या हम पाई का वैल्यू रखेंगे, तो आंसर है नो, नहीं रखेंगे, जैसा है वैसा रख के सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आए देखेंगे क्या आंसर आता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म टारगेट करना है, तो क्या करेंगे, साइड में हम एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स, तो जब मैं इसको कैंसिल करूँगा तो क्या बचेगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। हालांकि प्लस मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मतलब हमें एग्ज़ाम में शो करने की ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पे प्लस का साइन शो करें, है ना, बस लेकिन मैं आपको समझाने के लिए करा है कि अगर माइनस आता है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और प्लस है तो पॉजिटिव रहने देंगे, ठीक है। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, और पाई इंटू एक्स स्क्वायर, तो पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, जैसा है वैसा लिख देंगे। अच्छा एक बात ध्यान रहे बेटे, कि ये जो आपके पास डिवाइजर दे रखा है ना, इसमें फर्स्ट टर्म एक्स का ही हो। अगर मान लो ये ऐसे दे रखा होता पाई प्लस एक्स, तो मैं इसको कैसे बना के लिखता, एक्स प्लस पाई, फर्स्ट टर्म मुझे एक्स का ही चाहिए। फिर से अगर मान लो मेरे पास पाई माइनस एक्स होता डिवाइजर, मान लो, तो मैं इसको कैसे लिखता, हाँ मैं इसको लिखता माइनस एक्स प्लस पाई, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अगर मान लो 2 माइनस 3 हमें गिवन है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 3 प्लस 2, यहाँ पे भी साइन 3, यहाँ पे जो 3 है वो नेगेटिव है, यहाँ भी 3 नेगेटिव है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ भी 2 पॉजिटिव है ना, मैंने इसको ऐसे रिवर्स करके लिख दिया, ये समझाने वाली बात थी। चलो अब क्या करेंगे, दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, तो ये नेगेटिव जब हमने करा तो ये भी साइन चेंज हो गया, तो ये तो कट गया। अब 3x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, देखो 3x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, तो लाइक टर्म्स तो हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्लास 8 में हम सीख के आए थे कॉमन लेना, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस पाई और सिर्फ एक्स स्क्वायर, बस अभी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पाई की वैल्यू मत रखने बैठ जाना, है ना, 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, और बाकी के बचे हुए टर्म्स हम एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पहला टर्म कौन सा आ गया, 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, अच्छा तो करो डिवाइड, जब हम इसको डिवाइड करेंगे साइड में 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स फर्स्ट टर्म से, तो 3 माइनस पाई एक्स बचेगा खाली प्लस का, तो 3 माइनस पाई एक्स, ठीक है बेटे, करो मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई पाई एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ तक, पाई का मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, साइन जब माइनस लगाया मैंने तो बाकी के साइन सारे के सारे इंटरचेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो ये अब माइनस हो गया, ठीक है, तो ये अपोजिट वैल्यू कैंसिल। अब
ये एक्स का टर्म है, ये भी एक्स का टर्म है, तो देखो ध्यान से क्या गिवन है हमें, 3x प्लस का है माइनस 3 माइनस पाई पाई एक्स। तो क्या करें इसमें बताओ, x कॉमन ले लें, x ही कॉमन आ सकता है, ये पूरा एक टर्म है, ये भी पूरा एक टर्म है, तो अब मैं जब x कॉमन लूँगा बेटे तो यहाँ बचेगा 3 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस पाई पाई, है ना। और सॉल्व करो इसको, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन अंदर के चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का 3 प्लस पाई, और पाई का यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई और ये पाई स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये बचेगा बस मेरे पास। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड बच रहा है, क्या बच रहा है, पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 और ये एक्स, बाकी बचा मेरे पास प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है अच्छे से और कुछ भी नहीं है बेटा, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जब मैं इस वाले टर्म को डिवाइड करूंगा इससे तो खाली x से x कट जाएगा, ये बचेगा, इसका मतलब प्लस का पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 बचेगा, है ना। मल्टीप्लाई करो x का इससे, तो पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 x, फिर पाई का मल्टीप्लाई इससे, तो पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 इंटू पाई, ठीक है, साइन चेंज होंगे, कैंसिल, ठीक है। बचा क्या बेटा मेरे पास, 1 माइनस का ये पूरा टर्म, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस, अगर पाई का अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर लो, तो ये हो जाएगा पाई क्यूब माइनस 3 पाई स्क्वायर माइनस प्लस 3 पाई, ठीक है, ये मेरा रिमाइंडर आया है। अगर मैं इसको और सॉल्व करता तो मुझे ऐसे मिलता ये, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो 1 माइनस पाई क्यूब प्लस का 3 पाई स्क्वायर माइनस का 3 पाई, है ना। अभी ये थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ तरीके से लिखा हुआ है, तो और इसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, माइनस का पाई क्यूब गिरते हुए, इसकी पावर की गिरती हुई डिसेंडिंग ऑर्डर में, प्लस का 3 पाई स्क्वायर माइनस का 3 पाई प्लस का 1, ठीक है, ये मेरा आंसर होना चाहिए। आंसर देखो ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो क्या हुआ इसमें, बस नॉर्मल एक तरीके से कैलकुलेशन करी है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने कौन सा यूज़ करा है, जो मैंने आपको बेसिक वीडियो में सिखाया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फर्स्ट टर्म दोनों पहले से पॉजिटिव थे। अब एक एग्जांपल ऐसा देखते हैं कि अगर फर्स्ट टर्म हमें नेगेटिव मिल जाए तो शुरू से, ठीक है बेटा, एक एग्जांपल अब हम कुछ अलग देख के चलते हैं कि अगर मान लो फर्स्ट टर्म हमारे पास नेगेटिव हो तो, अभी तक तो फर्स्ट टर्म हमें सारे के सारे पॉजिटिव मिले हैं, अब अगर बाय चांस हमारे पास फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो जाए तो, हो सकता है आप जब आर एस अग्रवाल के आर डी शर्मा के क्वेश्चंस करें तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलें, तो देखते हैं उसके लिए क्या होगा, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। इसमें भी हम पहले फर्स्ट टर्म को घेरेंगे कि मैं माइनस एक्स क्यूब को डिवाइड करूँगा किससे, एक्स से, तो आप बताओ मुझे क्या मिलेगा, हाँ मुझे मिलेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, जब मैं कोई एक बार काटूंगा तो, जब मैं डिवाइड करूँगा इसको, है ना, क्या मिलेगा मुझे, माइनस का एक्स स्क्वायर। आया कुछ चेंज आया समझ में, अब देखो बड़े ध्यान से, एक्स इंटू माइनस का एक्स स्क्वायर, यही करते थे हम, एक्स इंटू माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स क्यूब, ठीक है, आ गया माइनस का, ये माइनस का ही आएगा, फिर से माइनस टू इंटू माइनस का टू एक्स स्क्वायर, तो प्लस का टू एक्स स्क्वायर, अब कुछ चेंज आ रहा होगा आपको समझ में। अब मैं क्या करूँगा, देखो पिछली वीडियोस मतलब पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास ये फर्स्ट टर्म दोनों पॉजिटिव थे, तो हम यहाँ पे साइन चेंज करते थे, नेगेटिव करते थे इसको। अब क्या है, जब ये मेरे पास दोनों नेगेटिव हैं
हाँ तो मैं अब यहाँ पे प्लस करूँगा, क्या करूँगा, प्लस, ठीक है, प्लस करूँगा और इसके साइन क्या होंगे यहाँ पे फिर से चेंज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, साइन चेंज हो गए। जब ये दोनों साइन सेम थे, पहले तो प्लस के थे दोनों, तो मैं यहाँ पे माइनस करता था, फिर यहाँ पे इंटरचेंज होते थे साइन। अब यहाँ पे दोनों माइनस के हैं तो मैंने प्लस करा है, और ये भी ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। ये समझने वाली बात है, तो देखो ध्यान से। और ये भी ध्यान रखना कि पावर के नीचे पावर सेम आनी चाहिए वेरिएबल की। तो अब इस वाले टर्म्स के लिए साइन नए कौन से बने, तो इसके लिए बना प्लस और इसके लिए बना माइनस। तो ये तो अपोजिट साइन हो गए, तो कैंसिल हो गया। अब 6x² माइनस 2x² कितना, बिल्कुल 4x², और बाकी के सारे वैल्यूज को नीचे नोट कर लो। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया सबको? अब आपको कुछ नया चीज़ मिली होगी इसमें। अब फिर से मैं इस फर्स्ट टर्म को घेरूंगा, डिवाइड करूंगा इसके साथ, तो मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, तो करके देखते हैं फटाफट से। 4x² डिवाइड बाय एक्स, तो एक्स से एक्स गया, बचा प्लस का 4x, प्लस का 4x। ठीक है, एक्स इंटू प्लस का 4x, 4x². अब तो आप बादशाह हो, अब तो आराम से कर लोगे। माइनस 2 इंटू प्लस का 4x, तो माइनस का 8x। यहाँ दोनों प्लस के आ गए टर्म्स, यहाँ पे साइन माइनस, यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया। तो माइनस का 15x, प्लस का 8x, तो माइनस साइन वैल्यू बढ़ी है, तो माइनस का 7x, प्लस का 14। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला टर्म आपको नेगेटिव मिल गया, कोई बात नहीं, मिल जान दो सर, अब हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। माइनस का 7x डिवाइड बाई एक्स, इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या बचा हमारे पास, माइनस का 7 बचा, तो माइनस का 7। ठीक है बेटे, तो एक्स इंटू माइनस का 7, माइनस का 7x, माइनस 2 इंटू माइनस 7, प्लस का 14, दो सारे के सारे कट गए, तो ये प्लस का, ये माइनस का कट गए, बचा क्या, 0। रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास, 0। तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, ये एक अलग एग्जाम्पल है, बस मैंने इसमें समझाना ये चाहा है कि अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव आ जाए तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबको समझ में आई बात? तो अगर सबको ये बात समझ में आ गई है तो आप सब लोग थर्ड और फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको करने के बाद हम करेंगे फिर रिमाइंडर थ्योरम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है।